नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आ चुके हैं इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं के परिसर में, जहां एकवीरा देवी टेंपल के साथ साथ हम इस कारला गुफाओं को भी देखेंगे। दोस्तों, ये कारला के उस पुणे से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर लोनावला में स्थित है। दोस्तों, इस गुफाओं को देखने के लिए टिकट भी लेना पड़ेगा, जो आपको एंट्रेंस पे मिल जाएगा। टिकट प्राइस 25 रुपीज़ है इंडियंस के लिए और 300 रुपीज़ है फॉरेनर्स के लिए। पर हाँ, आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं इसकी जानकारी मैंने जो एकवीरा देवी टेंपल का डिटेल वीडियो बनाया है उससे ले सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, इस गुफाओं को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कारला गुफाएं, कारली गुफाएं, कारले गुफाएं या कारला सेल। पुराने जमाने में इसे वेलुरका के नाम से भी जाना जाता था। ये गुफाएं ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म के महासंघिक का संप्रदाय से जुड़ी हुई है और बाद में इसे हिंदू धर्म के साथ जोड़ा गया था। यहाँ एक बौद्ध मठ है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये मठ कभी चैत्य के बाहर 2 15 मीटर के भव्य स्तंभों का घर था। अब इनमें से केवल एक ही बचा है और शेष स्थान पर देवी एकवीरा को समर्पित एक मंदिर है, जो हमने अगले वीडियो में देखा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहां देवी को खुश करने के लिए मंदिर के आगे बकरियों और मुर्गों की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन अभी उस पर प्रतिबंध होने की वजह से इन्हें यहां परिसर में छोड़ दिया जाता है। इस महान चैत्य गुफा में एक बड़ा जटिल नक्शेदार चैत्य यानी कि प्रार्थना कक्ष है, जो 50 से 70 ईसा पूर्व का है। यह चैत्य गृह पूरे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा चैत्य गृह है, जिसकी लंबाई 45 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर तक है। परिसर के भीतर कई अन्य गुफाएं भी हैं, जो बौद्ध साधुओं का निवास स्थान हुआ करती थी। इन गुफाओं की एक विशेषता उनके कमाना प्रवेश द्वार और घुमावदार अंदरूनी हिस्सा है। इन गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में खंभे पर दाताओं के नाम भी अंकित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यात्रा करने वाले व्यापारियों को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रमुख व्यापारिक मार्गों के करीब इन मठों को बसाया जाता था। ऐतिहासिक महत्व के कारण ये गुफा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ आना चाहते हैं तो छाता या रेनकोट लाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं लोनावला के बारे में या इस कारला गुफाओं के बारे में, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूंगी।
इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।